खम्मा घणी सा, मैं ज्योति तावर शेखावत एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक ज्वेलरी हॉल आप कह सकते हैं, राजपूताना ज्वेलरी हॉल। बट मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये कोई शो ऑफ नहीं है। बट जैसा कि आप जानते हैं कि फेस्टिव सीजन आ चुका है, तो बहुत से लोगों को ऐसे होता है कि भाई हम किस टाइप की ज्वेलरी खरीदें। डिज़ाइंस वगैरह आप देख तो रहते हैं बट आपको आइडिया नहीं लग पाता है कि भाई वो कैसा दिखेगा कैसा नहीं। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको अपना राजपूती जो आर्टिफिशियल राजपूती ज्वेलरी के बारे में मैं अपने वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी डिज़ाइन पसंद आता तो आप इजीली उसे बाय कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एड्रेस भी बता दूंगी जहाँ से ये सारी की सारी जो राजपूताना ज्वेलरी है ये मैं जहाँ से लेकर आई हूँ या मैंने जहाँ से ख़रीदी है या फिर यूजुअली मैं जहाँ से भी ख़रीदती हूँ आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। ओके, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। ओके, चलिए विदाउट एनी फर्दर बकबक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इन ज्वेलरीज को आप इस टाइप के बॉक्सेस में आप रख सकते हैं इन्हें। ओके, तो बहुत ही इजी हो जाएंगे और आप इस तरीके से अगर इन्हें पैक रखेंगे ना तो इनकी जो चमक है वो सालों साल बरकरार रहेगी। इसीलिए आपको इन्हें इन तरीके से पैकिंग में पैक रखना चाहिए क्योंकि एयर वगैरह के जितने कम टच में आएंगे उतने ज़्यादा चलेंगे। तो आप देख सकते हैं तो इसे हम आर्ड बोलते हैं जो पहनी जाती है। ओके, तो आप इस तरीके से आर्टिफिशियल भी खरीद सकते हैं। मैं ज़्यादातर आर्टिफिशियल ज्वेलरी यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह और अगर मुझे कहीं भी घर के बाहर कहीं पे वीडियो शूट करना है, फ़ोटोज़ अच्छे अच्छे क्लिक कराने हैं, तब मैं ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे क्या है, एक तो डर नहीं रहता खोने वगैरह का भी और हमें खतरा भी नहीं रहता। तो इसीलिए मैं इसे इस टाइप की ज्वेलरी रखना प्रिफर करती हूँ अपने साथ में। ओके, और दो ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी प्यारी रिंग्स हैं। रिंग्स तो मेरे पास कई हैं बट मुझे मेरी जो राजपूती ज्वेलरी है, ओके, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, उनके साथ में ये ही सूट करती है मुझे लगता है ऐसा, तो मैं इन्हीं को पहनना प्रिफर करती हूँ उनके साथ में। ओके, अगर आपको मेरी नॉन राजपूती ज्वेलरी है आर्टिफिशियल, उनमें भी मेरे पास बहुत सारे डिज़ाइन है, बहुत बड़ा तो नहीं बोलूँगा मैं बट ठीक ठाक कलेक्शन है मेरे पास में। बट अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सी ज्वेलरी को मुझे राजपूताना ज्वेलरी में ऐड करना चाहिए कौन सी को, क्योंकि आजकल राजपूताना ज्वेलरी में भी मांग टीका और ये सब हार वगैरह चलने लग गए हैं। ओके, आजकल ट्रेंड आ गया है बट अभी मुझे कन्फर्म नहीं, इसीलिए मैंने उन्हें ऐड नहीं किया है इसमें। तो मैं अगले कुछ हफ्तों के अंदर आपको उससे रिलेटेड वीडियो भी बना दूँ। नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल शीश फूल जिसे आप इजीली यहाँ पे पहन सकते हैं, देख सकते हैं इसे, बहुत ही प्यारा लुक देता है ये। ओके, और शीश फूल और रखड़ी दोनों है इसमें, इसीलिए कोई यूनिक लुक भी मिल जाता है और बार बार बांधने की और इन्हें अटैच करने का झंझट नहीं रहता है। ओके, तो ये भी अगेन कुंदन में है। ओके, तो बहुत ही प्यारा लुक देने वाला है आपके। तो अगर अभी रखड़ी शीश फूल की बात हो ही रही है तो मैं आपको सबसे पहले अपने रखड़ी और शीश फूल ही बता देती हूँ। ये मेरे पास एक और ग्रीन कलर में एक ब्यूटीफुल सी रखड़ी है, आप इसे देख सकते हैं, जो कि बहुत प्यारा लुक देती है पहनने के बाद में। ओके, और इसी के साथ में मैचिंग मैंने साथ में लिया था ये मेहरी है, बहुत ही प्यारा लुक देती है आप इसे पहनते हैं तो लाइक दिस। मैंने जहाँ जहाँ पे इसे पहना है मैं वो फोटोज़ भी साइड में अवेलेबल करा दूँगी। एक मेरे पास एक क्यूट सी छोटी सी रखड़ी भी है, इसे मैं ज़्यादातर या तो मैं इस वाली मेहरी के साथ पहनती हूँ क्योंकि अगेन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप अकेले भी इसे वेयर कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जो चिक सेट होते हैं। ओके, चिक सेट राजपूती भाषा में इन्हें कहते हैं जो बिल्कुल गले के, अभी जैसे ये मैंने पहना है ये एक नेकलेस टाइप है। ओके, ये एक पेंडेंट है ओनली, चिक सेट उसे कहते हैं जो बिल्कुल यूं गले को चिपक जाता है। ओके, तो ये बहुत ही प्यारा सा चिक सेट है और इसके मैचिंग ईयर रिंग्स भी हैं मेरे पास में।
ओके। उसके बाद में मेरे पास ये एक और प्यारा सा चोकर है, जो अभी पहले देखा था वो भी चोकर सेट था, आप उसे चिक सेट भी कह सकते हो, चोकर भी कह सकते हैं, ओके। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा लुक देता है ये पहनने के बाद में, ओके। इसके जो ईयरिंग्स है वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही क्लासी लुक देते हैं, बहुत ही एलिगेंट है, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं ये ईयरिंग्स इसके साथ में। और जब अभी गले के सेट्स की बात चली रही है तो मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुंदन मीना का सेट भी दिखाना चाहूँगी, क्योंकि अगेन बहुत ही प्यारा है, बहुत एलिगेंट लुक देता है पहनने के बाद में, बहुत ही हैवी लुक देता है, इंस्टेंटली आपके लुक को कम्प्लीटली चेंज कर देगा ये। और इसके जो मैचिंग ईयरिंग्स हैं वो भी अगेन बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। और अब बारी आती है नोज एक्सेसरीज की, नोज आप नथ भी बोल सकते हैं। तो मेरे पास एक ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा नथ है जो पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लुक देता है, एक्चुअली आप देख सकते हैं। इसके साथ में इसका चेन भी आया था, देखिए। इसके बाद ये भी एक आर्टिफिशियल राजपूताना काइंड ऑफ नथ है, जो कि अगेन बहुत ही प्यारा लुक दिखती है। मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ, हैव अ लुक। मोर का डिज़ाइन बना हुआ है इसके ऊपर, पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगता है ये, ओके। बहुत ही हैवी लुक भी देता है आपको, एज यू कैन सी, ये देखिए, ओके। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये वाली नथ, ओके। और अब मैं आपको अपने बेसर दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं, दिस इज अगेन अ क्यूट बेसर, आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं। अगेन ये भी एक मोर की डिज़ाइन में है, आप ऐसे फूल वाला बेसर भी ट्राई कर सकते हैं। और ये है वन ऑफ माय फेवरेट बेसर, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक देता है, बहुत ही इजी टू वेयर है। देखिए बेसर्स को आप एज इट इज़ ऐसे कैसे सेट कर सकते हैं, थोड़ा और अंदर जाएगा बट अभी मैंने पहना हुआ है नाक में मोटे, ओके। तो ये भी बहुत ही सुंदर लुक देता है, देने वाला है, बहुत ही सुंदर लुक देने वाला है ये भी आपको। अब हम बात करेंगे हैंड ज्वेलरीज के बारे में। तो हाथों की ज्वेलरी में हमारे पास में होता है पोची, बंगड़ी, ओके, और बाजू, ओके। तो अभी और हाँ, हथफूल भी। तो मैं आपको अभी अपना सबसे पहले पोची दिखाती हूँ, यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल, कितना सुंदर है ये देखिए, बहुत ही प्यारा लुक देता है, बहुत प्यारा। अब मैं आपको अपने हथफूल दिखाती हूँ। हथफूल में मेरे पास में दो वैरायटीज हैं, एक तो आप देख सकते हो इस टाइप से, आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल हैं ये, ये बीच में लगने वाला टिकड़ा है, और ये रिंग्स हैं, और ये हाथ में बांधने के लिए ब्रेसलेट है, और ये दिस इज माई सेकेंड टाइप, जो कि मुझे पर्सनली बहुत प्यारे लगते हैं। ये थ्री फिंगर्स का है, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक देता है पहनने के बाद में, फॉर बोथ हैंड्स। अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये बहुत ही क्यूट से, बहुत ही प्यारे से ये दो खांचे आप बोल सकते हैं इन्हें, ओके। ये भी बहुत ब्यूटीफुल है दिखने में, एज यू कैन सी, इन्हें यहाँ बाजू में आप पहन सकते हैं। आप लूमे अपने अलग से पैसों से खरीदे, क्योंकि ये जो साथ में देते हैं ये ना तो इतनी हैवी आती हैं और बहुत ही हल्की फुल्की टाइप की आती हैं ये लूमे, आप अलग से खरीदिएगा इसे, ओके। देख सकते हैं ये दूसरा टाइप का बाजू है, बहुत ही प्यारा लगता है गाइस पहनने के बाद में, आप देख सकते हैं साइड के पिक में मैंने दिखाया आपको। और हाँ,
अगर आपने जो मैंने ज्वेलरी पहनी हुई है इन सब के फोटोज़ भी चाहिए तो ये मेरी गोल्ड ज्वेलरी के अंदर है, ओके। तो अगर इनका भी आपको फ़ोटोज़ वगैरह चाहिए तो मैं आपको उसका अवेलेबल करा दूँगी, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि मैंने यहाँ पे लिंक किया है अभी, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं मेरे अकाउंट पे इनके क्लियर फ़ोटोज़, ओके। तो ये फेक ज्वेलरी के अंदर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर नहीं, इसीलिए मैंने इन्हें ऐड नहीं किया, ओके। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो जो कि था आर्टिफिशियल राजपूताना ज्वेलरी के ऊपर। जो भी मैंने डिज़ाइंस दिखाए हैं आप उन्हें जयपुर जसवंत नगर में शॉप है, बहुत सारी शॉप्स हैं वहाँ पे, बट एक श्री दयाल बैंगल्स करके है। कोई ये प्रमोशन काइंड ऑफ वीडियो नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको नाम बता रही हूँ, आप वहाँ जा सकते हैं। और अदरवाइज़ आप खातीपुरा रोड पर बहुत सारी ऐसी दुकानें मिल जाएंगी आपको। बट अगर आपको एक अच्छा कलेक्शन देखना है, क्योंकि मैं वहाँ पर पर्सनली जाके देख के आई हूँ, तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर कलेक्शन देखना है तो आप श्री दयाल बैंगल्स पे जा सकते हैं, ओके। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है देन गिव इट अ थम्स अप। और अगर आपने मेरा चैनल भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन की घंटी है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो पोस्ट करती हूँ तो वो भी आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ओके। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, ओके। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।